डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी पीलीभीत के निरंतर प्रयासों से बदलती जा रही मां गोमती उद्गम स्थल की तस्वीर। आने वाले दिनों में जल्द ही गोमती उद्गम स्थल एक पर्यटन केंद्र और आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित होगा। पीलीभीत से महज 25 किलोमीटर दूर गोमती का उद्गम स्थान हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा किए गए गोमती उद्गम स्थल को नई पहचान दिलाने के प्रयासों की सराहना भी की थी। देश ही नहीं विदेशों में भी डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा गोमती उद्गम स्थल को नई पहचान दिलाने के प्रयासों की प्रशंसा हो रही है। मां गोमती उद्गम स्थल पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की संख्या, दूर दूर से लोग मां गोमती के उद्गम स्थल को देखने आते हैं। परम श्रद्धा की मूर्ति माता गोमती की प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जिलाधिकारी की प्रेरणा और आशीर्वाद से गोमती उद्गम माधव तांडा में 15 अगस्त को हुई। डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जिलाधिकारी पीलीभीत के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर जिले के सभी अधिकारी विधायकगण मौजूद रहे। गोमती उद्गम स्थल पर तिरंगा झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान का आयोजन कर मिठाई बांटी गई। सौभाग्य ये है कि पीलीभीत का मां गोमती के घाट पर मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता पाठ। मां गोमती के उद्गम स्थल पे श्री भगवद गीता का आयोजन किया गया। प्रवचन कर रहे थे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा और सीडीओ विजय किश भागवत। यहां पहुंचने वाले श्रोता दोहरा लाभ उठा रहे थे। सुनते हैं कथा और सुनाते हैं व्यथा। प्रसाद के रूप में उन्हें निराकरण भी मिल रहा था। पीलीभीत सही समस्त देशवासी डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी पीलीभीत को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मां गोमती उद्गम स्थल को देश विदेश में नई पहचान दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टीवी न्यूज।
पहले वे मुए जिन मुख निक सतनाय, और किसके मुंह से नहीं निकलता? क्या यदि आप ईश्वर से मांगेंगे ना और मन से मांगेंगे ना तो सब कुछ मिलेगा। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया अर्धारी लिखी कि जग जाचिय को न जाचिय जो जिय जाचिय जान की जान ही रे, जग जाचिय को न जाचिय जो जिय जाचिय जान की जान ही रे। जही जाचत जाचकता जही जाचत जाचकता जरी जात जो जारत जोर जहान ही रे। जही जाचत गोस्वामी जी के साहित्य की पराकाष्ठा है। अनुप्रास अलंकार का इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है कि जग जाचिय को न जाचिय जो जिय जाचिय जान की जान ही रे। जही जाचत जाचकता का मांगना है तो उससे मांगो जिससे मांगने पर आपके अंदर मांगने की आदत ही खत्म हो जाए। और वो कैसे आएगा? क्या केवट बड़ा गरीब है। व्यवस्था आज कुछ इस प्रकार की थी क्योंकि शाम को और अगर कुछ भी कोई करे कोई बोले तो मैं कथा, अगर कथा क्या एक तो वक्तव्य में दे रहा हूँ, कथा तो हमारे भागवत जी दे रहे हैं और इनके बगल में बैठने में डर लगता है। असली बात तो ये है, पता नहीं कौन सा शब्द रूप लगना है गोमती जी का तो कन्याओं के हाथों से ही क्यों लगाया जाए। तो इसमें हमारा विधायक जी आपका कोई रोल नहीं रहेगा, आप नाराज मत होइएगा, ये कन्याएं लगाएंगी, उसको खड़ा किया जाना, उसको अनावरण। ये मूर्ति है एक, फिलहाल तो ये एक बच्चों ने बनाई मूर्ति, ऐसा मैं कल विधायक जी को मैं अवगत करा दूं। अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं हो कि जेना मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्ही बिलोतत पातक भारी। यानी कोई व्यक्ति यदि अपने मित्र को धोखा देता है तो बहुत बड़ी बात है,
धोखा देने की बात छोड़ दीजिए, यदि वो अपने मित्र को के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, और अगर कहीं वो आपके नजरों के सामने आ गया वो व्यक्ति, मन संकन धरे, मित्रों की तमाम परिभाषाएं, गिरता न बसे नभ में सरवर, कहीं नहीं रंग रंग के फूल खिलाता प्याली कूची, कहीं नहीं। वहां कौन सा सरोवर है, कौन सा समुद्र है, अरता पानी गिरता नभ से, नभ में सरोवर, कहीं नहीं यहाँ पत्ते देख रहे हर तरह के हैं, यहाँ जितने रखे हैं सबके पत्ते की कतरन अलग अलग है और रंग भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, क्यों? हर पत्ती की कतरन न्यारी, कर में कतरन कहीं नहीं। हम क्या पत्ता काटते हैं, कोई उसको शेप देते हैं? बिगाड़े को न कहां से अता पता तो, कहीं नहीं रंग रंग के फूल खिलाता दाना पानी तो कहीं। चरण कमल, तो ये चारों तरफ कमल हैं अपने, इसमें हम कमला कर कह सकते हैं, इस शरीर को सब तरफ कमल हैं, कहते ना अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। इसका भी वर्णन किया है कि धोखे की धजा है ये शरीर जो है।